नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 31 अक्टूबर 2021 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हां दोस्त, स्कॉलरशिप का स्टेटस आप यहां से देख सकते हैं। एक बात और आपको पहले बता दें, अगर दोस्तों बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हुआ तो नौकरी पाना कन्फर्म है। जी हाँ दोस्तों, मतलब तब डीएलएड के छात्र सिर्फ सुपर टेट की परीक्षा अगर पास भी अगर आपने कर लिया, जी हाँ दोस्तों 90-97 कट ऑफ को अगर आपने सिर्फ टच कर लिया, छू भी लिया, तो आपकी नौकरी लग जाएगी। इसका सबूत पहले हम आपको दिखा देते, नहीं तो फिर आप बातों पर यकीन ही नहीं करेंगे कि हम झूठ बोल रहे हैं। ये दोस्तों 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का भैया रिजल्ट आया था, जिसमें दोस्तों आप देखिए जितने बच्चों ने डीएलएड किया था उसमें डीएलएड के पास होने वाले छात्रों की संख्या थी 38,610, ठीक है 38,610 थी। और दोस्तों टोटल हमारे पद कितने थे, 69,000 पद थे। सोचिए अगर 38,000 डीएलएड छात्रों की मतलब नौकरी भी लग जाती तब भी तो पद खाली रहते ना। अगर हम यहाँ से बीएड को हटा भी देते, यहाँ से चलिए मान लेते बीएड अब यहाँ पर नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए शिक्षा मित्र 8,048 थे, अगर इसमें 8,000 और भी पद जोड़ देंगे और उसके बाद 2,000 और, मतलब 8 से 10,000, ठीक है। तो टोटल दोस्तों अगर हम 10,000 को जोड़ देते हैं 38,000 में तो कितना होगा, लगभग 48,000 से पार हो जाएगा। तब भी सोचिए दोस्तों पद खाली रहते। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा डीएलएड का प्रथम वरीयता का मामला था, अगर हम इसको उठाएंगे, अगर हमें इसमें जीत हासिल होती है तो डीएलएड छात्रों के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। एक और अपडेट आपके सामने रखेंगे, जरा इस अपडेट को देखिए। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद बैक पेपर से बीटीसी पास को नहीं मिलेगी नौकरी। जी हाँ दोस्तों, पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे, हाई कोर्ट का क्या निर्णय निकल कर आया है। उसके बाद देखिए बीएड में पहले के आधार पर ही बनेगा दूसरे सेमेस्टर का रिजल्ट। ये दोस्तों बीएड की अपडेट को भी रखेंगे। अगली अपडेट, आवेदन की अंतिम तिथि को दोस्तों नियुक्ति की अर्हता जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, देखिए जब कोई भी चीज का आवेदन होता है ना फॉर्म में, तो जो लास्ट डेट होती है उस डेट तक अगर आपका रिजल्ट ये सब चीजें आ जाती है तब दोस्तों आप एलिजिबल हो जाएंगे। सिंपल था दोस्तों, एग्जाम्पल समझ लीजिए, जब हमारे लिए सुपर टेट के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे शिक्षक भर्ती के लिए, अगर 2019 बैच, 17 बैच, 18 बैच, किसी भी बैच के अगर आप छात्र हैं, अगर दोस्तों तब तक अगर आपका बैच क्लियर नहीं होता या हमारा प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट हमारे पास नहीं होगा, 19 बैच की बात कर रहे हैं, तब आप लोग दोस्तों नई भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। साफ साफ यहाँ पर लिखा है कि आवेदन की अंतिम तिथि को नियुक्ति की अर्हता जरूरी है। उसके बाद देखिए एक और अपडेट, नीट 2021 से अपडेट आई कि साल्वर गैंग के संपर्क में थे हीना समेत 25 अभ्यर्थी। तो गाइस इस सब बातों को जरा आप ध्यान में रखा करिए कि कैसे धांधली भी हो रही है, नहीं तो आप मेहनत करते रहेंगे फिर आपके कुछ ऐसे दोस्त नौकरी पा जाएंगे जिससे आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं रहेगी, यानी कैसे नौकरी मिल गई। तो भैया जुगाड़ बहुत ज्यादा आजकल चल रहा है। अब सोचिए कि नीट में भी, अब बताइए एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी साल्वर गैंग एक्टिव रहता है। उसके बाद देखिए एक बात और आपको बता दें, जी हाँ दोस्तों, किसी बच्चे ने एक बहुत अच्छी बात लिखी, एक चीज की दोस्तों गांठ बांध लेना, सब कुछ करना, लेकिन कभी किसी की भविष्य के साथ दलाली ना करना। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात है, तो इसको जरा ध्यान रखिएगा कि भाई आप लोग कुछ भी करिएगा लेकिन कभी भी किसी भी बच्चे के फ्यूचर के साथ दलाली नहीं करना है, ठीक है। तो आज की सारी अपडेट को हम आपके सामने रखेंगे। और एक और अपडेट कि डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। तो आज की सारी अपडेट को हम आपके सामने रख ही रहे हैं। एक बात और आपको बता दें, जिस हिसाब से दोस्तों इस समय डीएलएड की कॉपी चेक हो रही है ना, हजारों बच्चों की बैक लगनी कन्फर्म है। अभी दोस्तों हमारा जो रिजल्ट आएगा प्रथम सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ का, लिख लीजिए 1,000 से कम बच्चे हो तो आप कहिएगा, बहुत ही ज्यादा बच्चों की बैक लगेगी जिस हिसाब से अभी कॉपी चेक हो रही है। और आपको बता दें दोस्तों, बच्चों ने आरटीआई दाखिल कर रहे हैं धीरे धीरे, ताकि दोस्तों वो द्वितीय सेमेस्टर की अपनी कॉपी देख सकें कि आखिर कहाँ नंबर कट रहे हैं, क्या दोस्तों दिक्कतें आई, क्या जानबूझकर फेल किया गया, नहीं किया गया। देखिए काफी बच्चों को मानना है कि हमारे 18 नंबर होने चाहिए थे लेकिन उनको 8 नंबर मिल गया, 5 नंबर मिल गया, चलिए ठीक है 18 होने थे, 18 नहीं आए तो तब भी 15 तो आने चाहिए, 12 तो आने चाहिए, लेकिन अब बताइए इतना ज्यादा डिफरेंस आएगा। तो सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं धांधली हो रही है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बाकी दोस्तों अगर आप डीएलएड प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट देखना चाहते हैं तो हमने कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए लिंक दे रखा है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं, जैसे हमारा लिंक एक्टिवेट होगा सबसे पहले आप लोग अपना रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे। बाकी दोस्त यहाँ पर देख सकते हैं कि फेल छात्रों के लिए बड़ी खबर, पूरी अपडेट आपके सामने रखेंगे कि स्कूटी का फॉर्म कब तक आएगा। जी हाँ दोस्त, एक और लेट रहती पीपीएनपी की तरफ से, मतलब इनको एक्टिव रहना चाहिए यार कि चलो ठीक है रिजल्ट आएगा, स्कूटी के लिए तुरंत आवेदन कराए, कॉपी रीचेक करें, रिजल्ट घोषित करें, उसके बाद प्रमोट की नोटिस भी तो लानी है।
मतलब हर जगह दोस्त मतलब बच्चों को धरना देना पड़ता है कि आप स्पूटनिक के लिए भी लग रहा धरना ही देना पड़ेगा कि स्पूटनिक के फॉर्म कब तक आएंगे। मतलब बच्चों को इन्होंने बिल्कुल परेशान करके रख दिया है। बच्चों के एक तो लाखों रुपए लगते हैं और एक तो नई भर्ती। नई भर्ती दोस्तों 2018 के बाद नहीं आई, फिर से हम आपको बता दे रहे हैं 2019 पूरा साल दोस्तों बच्चों का निकल गया नई भर्ती का इंतजार करते करते, वैकेंसी नहीं आई। 2020 निकल गया, वैकेंसी नहीं आई। 2021 अब आज देख रहे हैं आप लोग 31 अक्टूबर तारीख है, बस नवंबर और दिसंबर 2 महीना बचा है। क्या आपको लगता है वैकेंसी आएगी? बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि दोस्तों अगर यूपी टेट से पहले वैकेंसी आ जाती है रिजल्ट से पहले, तब तो इधर जो बच्चों ने यूपी टेट पास भी कर लेंगे तब भी भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए दोस्तों भर्ती को कम से कम 28 दिसंबर के बाद ही हो सकता है विज्ञापन आए। तो मतलब साफ है कि दोस्तों अब जो आपको भर्ती दिखेगी वो 2022 में ही देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी उसके कोई आसार नहीं है। लेकिन एक बात और दोस्तों, जो हमारा डीएलएड का मुद्दा था, ठीक है, प्रथम वरीयता मामला, इसको जरा आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर कहते ना कैसे दोस्तों, जैसे आपने देखा पंजाब हो गया, राजस्थान हुआ, वहां पर भी दोस्तों बीएड छात्रों को भैया हटाया गया, तो यहाँ यूपी में भी हो सकता है अगर सरकारें चाहेंगी तो। नहीं तो फिर वही होगा कि सरकार ही बदल दो, दो ही ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो बाकी जो आप ये देख रहे हैं ना, ये कितनी बढ़िया अपडेट है। सोचिए यहाँ पर सिर्फ 38,000 बच्चे पास हुए थे डीएलएड के, मतलब सुपर टेट में 150 नंबर का जो पेपर होता है, सोचिए कि जनरल कैटेगरी के लिए जो पासिंग मार्क थे उस समय 97 नंबर। बाकी ओबीसी कैटेगरी हो गई, एससी कैटेगरी हो गई, एसटी कैटेगरी हो गई या फिजिकल हैंडीकैप, इन सभी बच्चों के लिए जो पासिंग मार्क रखी गई थी वो 90 नंबर। तो सोचिए दोस्तों इतने बच्चे इतने नंबर भी नहीं ला पाए कि वो पास हो सके। तो सोचिए कितना आसान है, सिर्फ आप परीक्षा को पास कर लेंगे, नंबर लाने की छोड़ दीजिए। अगर बीएड के बच्चे रहेंगे भर्ती में तब आपको नंबर भी लाना पड़ेगा, तब आप पास कर लेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी नौकरी लगेगी। हुआ 69,000 में काफी बच्चों ने पास किया, नौकरी नहीं लगी। उसका रीजन था कि बीएड के भी बच्चे थे। अब जरा इस अपडेट को देखिए, यहाँ पर डीएलएड के कितने बच्चों ने भैया परीक्षा पास की थी, 38,000 समथिंग बच्चों ने, 38,610। लेकिन बीएड के कितने बच्चों ने सुपर टेट की परीक्षा पास की, 97,300 से भी ज्यादा, 68 या 88, थोड़ा क्लियर नहीं है। तो आप अंदाजा लगाइए कि गाइस इतने ज्यादा बीएड में बेरोजगार बच्चे हैं, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि बीएड बहुत अच्छा, अगर इतना ही अच्छा होता तो नौकरी ना पा गए होती है सब बच्चे। 97,000 से ज्यादा बच्चे दोस्तों आप देख सकते हैं कि सुपर टेट की परीक्षा पास किए। अगर बीएड नहीं आता तब डीएलएड छात्रों के लिए नौकरी की राह बिल्कुल आसान होती, आराम से बच्चे नौकरी पा जाते। तो ये दोस्तों पूरा मामला है जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं। तो अब देखते हैं कि इस बार क्या होता है, ठीक है। जल्दी दोस्तों फिर से सब कुछ मैटर आ रहा है, लेकिन चलिए इस अपडेट को पहले देखते हैं कि अपडेट क्या है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोस्तों आवेदन की अंतिम तिथि बीत जाने के बाद बीटीसी उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में फैसला देते हुए कहा है कि अध्यापक भर्ती के लिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी के पास सभी अर्हताएं होना अनिवार्य है। अंतिम तिथि के बाद यदि कोई अभ्यर्थी बैक पेपर से बीटीसी पास होता है तो वह अध्यापक की नियुक्ति के लिए अहर नहीं माना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा मामला है। यह फैसला न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मित्र ने अध्यापक पद के अभ्यर्थी अंजलि सिंह की याचिका को खारिज करते हुए दिया है। याची ने सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति की, ठीक है दोस्तों, मांग की थी। याची की नियुक्ति की मांग इस आधार पर नामंजूर कर दी गई क्योंकि उसके पास प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2018 तक बीटीसी पास होने की निर्धारित योग्यता नहीं थी। याची ने बैक पेपर से दोस्तों बीटीसी परीक्षा 2019 में पास की। सोचिए उस समय दोस्तों, जैसे बोल रहे ना आप लोग, कि अगर आपकी एक भी विषय में बैक रह जाती है, अगर सुपर टेट के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया, तब दोस्तों आप नए शिक्षक भर्ती के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। देखिए इस बच्ची ने क्या किया कि उस समय चलिए फॉर्म तो डाल दिया, आप इस बच्चे का देखिए 22 दिसंबर 2018 तक मतलब 69,000 शिक्षक भर्ती में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि थी। उसके बाद इस बच्चे का रिजल्ट आता है 2019 में, ठीक है। भले उस समय दोस्तों कुछ हो नहीं रहा था, आपको बता दें तुरंत नौकरी तो लगी नहीं 69,000 में, ठीक है, मामला कोर्ट में चला गया, इधर उधर गया। लेकिन भैया जो कोर्ट होती है वो यही देखती है कि जिस दिन तक ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा उस दिन तक आपका रिजल्ट क्लियर होना चाहिए किसी भी कीमत पर। इसीलिए दोस्तों कहा जा रहा है कि जो हमारा 2019 बैच है, अगर हमारा फोर्थ सेमेस्टर रिजल्ट में जो ये लेट रेजिफी कर रहे हैं ना पीएनपी वाले, उससे दोस्तों आपका भविष्य संकट में आ सकता है। क्योंकि ये बता रहे हैं फोर्थ का एक तो रिजल्ट रुका पड़ा है और ये थर्ड का भी रिजल्ट इतनी जल्दी देंगे नहीं, थर्ड का छोड़ दीजिए, अभी फर्स्ट का रिजल्ट हमारा क्लियर देगा। अब बताइए तीन तीन सेमेस्टर का रिजल्ट है, अगर शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आ भी गया तब क्या कर पाएंगे हम लोग जल्द से जल्द, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि कम से कम एक एक रिजल्ट ये क्लियर करते जाए ताकि बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस करें कि नई भर्ती में हमें मौका मिल जाएगा। अभी दोस्तों हमारे पास तीन सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित करवाना है, फोर्थ का ही नहीं खाली, थर्ड का भी फर्स्ट का भी। जब फोर्थ का रिजल्ट आएगा बच्चों की बैक लगेगी, उसके बाद स्कूटनी वाला मैटर शुरू हो जाएगा,
स्कूटनी के लिए आवेदन शुरू होंगे, उसके बाद स्कूटनी का रिजल्ट आएगा, तब जाकर ये कौठल का रिजल्ट घोषित करें। समय दोस्तों कम है, अगर आप चाहते हैं कि आपको नई भर्ती में मौका मिले तो ध्यान रखे रहिएगा ये सब रिजल्ट। और दोस्तों ये जो आज की न्यूज़पेपर की कटिंग है इसको भी ध्यान रखिएगा। याचिका दाखिल कर याचिका दोस्तों कहना था कि सरकार के साथ साथ देश 5 मार्च 2021 में यह व्यवस्था दी गई है कि बीटीसी के नंबर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन जो बैक पेपर से होगा उसका भी दोस्तों अधिकारी संज्ञान लेंगे। जबकि याची की इस भाग मांग को मतलब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शाहजहांपुर ने पहले ही मानने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि याची को साथादेश 5 मार्च 2021 का लाभ नहीं मिल सकता। ठीक है, तो गाइस जब किस्मत खराब होती तो यही होता, मतलब सोचिए बच्चे ने सुपर टेट की परीक्षा पास कर ली, सब कुछ ठीक था, लेकिन यही था मामला कि रिजल्ट इनका देरी से जारी हुआ। अगर बैक पेपर का रिजल्ट पहले आ जाता तब कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन रिजल्ट में देरी हुई, सब कुछ खराब हो गया। ठीक है, ये बीएड की अपडेट है। तो ये सब दोस्तों बातें ध्यान रखा करिए आप लोग, देखते हैं अब क्या अपडेट दोस्तों निकल कर आती है पीएनपी की तरफ से। बच्चे तो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा नाराज हैं कि एक तो इतनी ज़्यादा लेट लेती फी हो रही, उसके बाद रिजल्ट इतना ज़्यादा खराब कर देते हैं जिन बच्चों को लगता है भैया हमारा तो क्लियर होने वाला है। एक चीज़ बता दें, 2019 बैच का जो हमारा रिजल्ट है अभी सेकेंड सेमेस्टर का, बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे क्योंकि बच्चों को लग रहा था कि हमारा रिजल्ट क्लियर होगा। बच्चों ने पूरे तरीके पूरा जुगाड़ अपना लिया कि चलो ठीक है हम पैसा दे के पास हो जाएंगे। ठीक है, आपको बता दें, आप लोग को काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि कैसे क्या क्या हुआ, तो यहाँ पर दोस्तों बताना चाहेंगे कि बच्चों ने पूरी सेटिंग की, ठीक है ना, जुगाड़ चला वही है, कुछ लोगों ने पैसा भी खा गए, मतलब बताइए बच्चों के फ्यूचर के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया। उसके बाद इस अपडेट को जरा देखिए, बच्चों से स्कूल की सफाई कराने पर प्रधानाध्यापक निलंबित हो गए। जरा ध्यान रखिएगा आप लोग, ये थोड़ी नहीं टीचर बन जाए तो आपको बच्चों से स्कूल की सफाई कराएंगे तो सीधे सस्पेंड होंगे। उसके बाद अगली अपडेट, शिक्षक भर्ती वाला जो हमने देख ही लिया, देखिए टीजीटी भर्ती की उत्तर माला पर सवाल हुआ, हाई कोर्ट की तैयारी है। तो गाइस आप देख सकते हैं कोई भी वैकेंसी आती है तो भैया सीधे ये कोर्ट का रूप ले लेती है, बच्चे हाई कोर्ट जा सकते हैं। जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। ठीक है, तो इस अपडेट को जरा देखिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी 2021 के परिणाम के साथ जारी संशोधित उत्तर माला में कई ऐसे जवाब को गलत बता दिया जिसे लिखित परीक्षा के उत्तर माला में सही दर्शाया गया था। ऐसे में लिखित परीक्षा में उत्तर प्रदेशाध्यक्ष वाचन खुद को कटाप से ज्यादा को मतलब सही जोड़ बैठे अभ्यर्थी रामजग, अमित यादव और योगेश यादव कटाप से दोस्तों नीचे आकर चयन से मतलब बाहर हो गए। अब वह चयन बोर्ड के उत्तर माला और जवाब के सही साक्ष्य के साथ हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। ऐसा दोस्तों 69,000 भर्ती में भी देखने को मिला था, लेकिन आज तक मामला कोर्ट में चल रहा है। तो कोर्ट में भी दोस्तों लेट लतीफी होती है, बच्चे बिल्कुल क्या करें तो क्या करें, बच्चों के पास कोई विकल्प नहीं बचता। चलिए दोस्तों, जो भी पीएनपी से अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जो बड़ी अपडेट होगी वो स्कूटनी को लेकर होगी कि स्कूटनी के लिए कब से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, फिर उसका रिजल्ट कब तक आएगा। सवाल यहाँ पर ये कि क्या स्कूटनी के रिजल्ट के बाद थर्ड सेमेस्टर प्रमोट की नोटिस आएगी। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा सवाल होगा, तो देखते हैं पीएनपी क्या करती है। और जिस हिसाब से ये लेट लतीफी कर रहे हैं लग रहा कि ये आपका भविष्य चौपट कर ही मानेंगे। बाकी दोस्तों अधिक जानकारी के लिए 2021 बैच के एडमिशन का जो डायरेक्ट है ना प्रोसेस वाला, उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखे हैं कि उसकी भी जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल आपको ये बताएंगे कि चलिए सब कुछ ठीक ही ठाक चल रहा है और जो कॉपियों का मूल्यांकन वो 15 नवंबर तक होगा। ठीक है, चतुर्थ सेमेस्टर में रिजल्ट में ज़्यादा लेट लतीफी होगी तो उससे नुकसान आपका ही, क्योंकि देखिए अगर इनकेस अगर गलती से आपकी बैक लग भी गई ना तो अभी फोर्थ सेमेस्टर का पेपर होना बाकी है, लेकिन हमें रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करवाना पड़ेगा, तभी तो हम दोबारा बैक पेपर होगा पास करेंगे तभी तो उसका फायदा लेंगे। नहीं तो दोस्त यही वाली अपडेट जरा ध्यान रखिएगा, इसको हमेशा याद रखिएगा। कौन सी अपडेट थी ये वाली, आवेदन की अंतिम तिथि के बाद बैक पेपर से बीटीसी पास को नहीं मिलेगी नौकरी। ठीक है, अगर सुपर टेट में ऑनलाइन आवेदन से पहले अगर आपके पास सारी योग्यताएं नहीं है तो आप शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे। सारी योग्यताओं में ये दोस्तों है कि अगर आप डीएलएड कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, चारों सेमेस्टर का आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, कौन सा, पास वाला। अगर बैक लगी उससे पहले आप क्लियर करिए, और उसके बाद दोस्तों सुपर टेट में ऑनलाइन आवेदन से पहले आपके पास टीईटी पास का भी रिजल्ट होना चाहिए कि आपने यूपी टेट या सी टेट में से कोई परीक्षा पास की है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।